डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन है। वर्ल्ड काइंडनेस डे कल था 13 नवंबर, उसके बारे में बात करना चाह रहा था आज की नशिस्त के अंदर। देखिए, एक तो हमारा दीन है, बड़ा खूबसूरत दीन अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो दीन हमें सिखाता ही ये है, शफ़क़त, रहम, प्यार, मोहब्बत। ना सिर्फ ये कि बड़ों के साथ, बराबर वालों के साथ, छोटों के साथ। अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक में मोमिनीन की सिफात बयान की हैं, उसमें से एक सिफ्त ये है कि ये आपस में बहुत नरम दिल हैं। आपस में इनकी जो है क्लैशेस नहीं होते उस तरह के, और आपस में नरम दिली के साथ, शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये भी वही चीज़ है। और अगर हम वैसे इंसानियत के हवाले से सोचें, इंसान होने के हवाले से सोचें, तो ये शफ़क़त एक ऐसा प्यारा जज्बा है कि जो दुश्मन को भी दोस्त कर देता है, जो आपको हर दिल अजीज़ कर देता है, जो आपकी वर्थ को बढ़ा देता है, जो आपको इज़्ज़त देता है। जब आप लोगों को इज़्ज़त देते हैं, लोगों के साथ शफ़क़त का मामला करते हैं, तो इन रिटर्न आपको उससे ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी बातों की, 10 ऐसी छोटी छोटी बातों की जो हमें अपनी ज़िंदगी में लेके आनी चाहिए। वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं देखने में, लेकिन यकीन माने अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों को रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना शुरू करेंगे तो शख्सियत भी निखरेगी और रिलेशंस भी डिवेल्प होंगे, रिलेशंस के अंदर डेप्थ भी आएगी, लोगों में इज्जत भी बढ़ेगी। तो वो हमने जो 10 आज की नशिस्त में मुंतखब किए थे, उनमें से पहली है स्माइल, मुस्कराहट। अपने चेहरे को मुस्कराहट से सजा के रखें और इस मुस्कराहट को दूसरों के साथ शेयर करें। मुस्कराहट जो है ये बहुत कुछ आगे आपका जो है कन्वे करती है। तो इसमें कोई ज़्यादा काम खर्चा भी नहीं आता, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। तुम खुद भी मुस्कराएं और अपनी मुस्कराहट के ज़रिए दूसरों को भी मुस्कराने का मौका दें। फिर हमें आदत बनानी चाहिए कि हम दूसरों को कॉम्प्लीमेंट्स दें। फ़र्ज़ करें अगर किसी ने मदद की है, उसको शुक्रिया अदा करें उसका। कोई खूबसूरत लग रहा है, उसको अच्छे तरीके से बयान करें कि आपने ये जो फलानी चीज़ पहनी है, आपने जो ड्रेस पहना है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई भी वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करें। उस एप्रिसिएशन से उसकी एनर्जीज जो हैं वो फ़ौरन बढ़ जाती हैं। तो इसकी आदत बनाएं, इसको स्टार्ट करें छोटी छोटी कामों से, घर में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने कुलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि उनके साथ उनके कॉम्प्लीमेंट्स उनको जो है वो दें मुख्तलिफ बातों पे। सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पे फेसबुक है, यहाँ पे ट्विटर है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम रोज़ाना की बहुत सारा टाइम गुजार रहे हैं। उस पे हम कमेंट्स भी कर दे रहे हैं, तो पॉजिटिव कमेंट दें। देखिए, किसी भी चीज़ को सोचने के कई जाविये हो सकते हैं। बाज़ औक़ात कोई चीज़ ऐसी जो बज़ाहर आपको बुरी लग रही है, उसके अंदर भी बहुत सारे अच्छाई वाले पहलू हो सकते हैं। तो अगर आपने कमेंट करना ही है तो पॉजिटिव करें, कोई ऐसा करें जिससे मोहब्बत बढ़े, कोई ऐसा करें जिससे इस्लाह हो, ना कि एक लड़ाई का माहौल पैदा हो, एक नफ़रत का माहौल पैदा हो। तो इसको भी आदत बनाएं कि पॉजिटिव सोच के, इनिशियली गौर करके जो उसमें पॉजिटिव चीज़ है उस पर कमेंट करें। छठी चीज़, अगर आप गुजर रहे हैं, आपने दरवाज़ा खोला, आपसे पीछे कोई आ रहा है, उसके लिए दरवाज़ा थोड़ी देर खोल के रखें। वो अगर फ़र्ज़ करें वो आपसे छोटा भी है, फिर भी उसके लिए दरवाज़ा खोल दें। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट उस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा जाता है, तो इसको भी अपना लें। जब खाना खाने जाते हैं, हम में से अक्सर लोग जाते हैं, खाना खाते हैं हफ्ते में एक दफ़ा, दो दफ़ा, तो वहाँ पे अगर आपको कोई नज़र आ जाए ऐसा आदमी कि आपको लगे कि ये आपसे शायद जो है वो दर्जे में कम है, पैसे के हिसाब से आपसे कम है, तो बगैर पूछे उसका बिल पे कर दें। कितना बिल होगा, आपने इतना खाया, उसको पूछे बगैर उसका बिल पे कर दें। बड़ी छोटी सी बात है, कितना दिल वो उसका खुश हो जाएगा, कितनी आप मोहब्बतें समेट लेंगे, और वो पता नहीं कितनी आपको दुआएं देगा। जो परिंदे हैं गर्मियों के मौसम में या वैसे है,
उनके लिए घर के अंदर, घर के किसी कोने के अंदर थोड़ा सा पानी का इंतज़ाम कर दें, कोई उनके लिए दाने वगैरह वहाँ पे बखेर दें। वो आएंगे, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी अपनी ज़ुबान में आपको दुआएं देंगे और उनकी आने की बरकतें होंगी। छोटी छोटी बातें हैं ना, करनी चाहिए। इसके अलावा आप फ़र्ज़ करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं और आप कहीं आ जा रहे हैं, तो अगर आप जवान हैं और आपकी सेहत अल्लाह ने आपको अच्छी दी है और आपका सफ़र भी ज़्यादा नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई बंदा आ गया उसके लिए सीट खाली कर दें, छोड़ दें, खड़े हो जाएं। जब आपको अल्लाह ने सेहत दी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खड़े रहने से भी हम अपनी ड्यूटी आवर्स के दौरान भी तो इतनी देर खड़े रहते हैं, तो इसको मोहब्बत के बांटने के लिए आप उसको सीट दे दें, इससे भी मोहब्बत फैलेगी, यकीन माने फैलेगी। मज़दूर को जब आप मज़दूरी देते हैं तो उसकी मज़दूरी देते हुए उसको थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, इससे क्या होगा, इससे दुआएं मिलेंगी आपको, इससे आपको मोहब्बतें मिलेंगी। ये करने वाली छोटी छोटी काम हैं। बाज़ुकात आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गरीब आदमी, एक बाबा जी कोई चीज़ वहाँ पे बेच रहे हैं और आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ख़रीद लें, ख़रीद के किसी और को दे दें अगर आपकी वो लेवल की नहीं, आप उस स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे। ये लोग जो हैं, ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत को अप्रिशिएट करें। ये उन लोगों से तो बाहर हाल बहुत दर्जे बेहतर है ना, जो भीख मांग रहे हैं, जो हाथ फैला के आपसे भीख मांग रहे हैं, इनको भी तो हम पैसे देते ही हैं। इन लोगों को अप्रिशिएट करें। तो मोहब्बत जो है, यकीन माने, मोहब्बत जो है ये तकसीम करने से डिवाइड नहीं होती, ये मल्टीप्लाई होती है। जितना आप लोगों के अंदर मोहब्बत को तकसीम करेंगे, ये उससे ज़्यादा आपके पास वापस आएगी। तो मोहब्बत को तकसीम करें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। बहुत शुक्रिया।